अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ से आज से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से, और शाम भी और आप ही जा रही हैं बाज़ार बहन बेसिकली। और उनको कुछ ज़्यादा चीज़ें तो लेनी नहीं थी, फ्रूट्स सब्ज़ी वगैरह ये चीज़ें लेनी थी। और उसके बाद एक लेस भी कम थी मेरी कपड़ों में लगाने की, तो वो लेनी थी। और यहाँ बहन की चप्पल नहीं मिल रही, तो मैं ढूंढ के दे रही थी। और मैं घर का मैस दिखा रही थी कि अभी तक मैंने क्लीनिंग नहीं की घर की, क्योंकि शाम में थोड़ा क्लीनिंग करने का दिल करता है, क्योंकि दोपहर में करो ना तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और फिर शावर तो ले ही देता है बंदा, बट फिर भी तो इस वजह से। और यहाँ देखें कितनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। शाम में तो अच्छा वेदर हो जाता है, पर दोपहर भर में बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी होती है। खैर समर आ गया तो गर्मी भी होनी है। और यहाँ बहुत अच्छा व्यू हो रहा था, और दिल चाहता है मैं ऐसी बाहर जाके पिक्चर्स दूँ, पर बाहर तो पिक्चर्स ले नहीं सकते, तो अंदर तक फ्लावर आ जाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। और यहाँ ये देखें ये लेस लाई थी बाज़ार से, करीबी जुम्मा बाज़ार लगा हुआ था तो वहाँ से ले आई थी। तो और उसके बाद आ गए समोसे गरम गरम। गाइस समोसे आ गए हैं, रमजान के बाद ये पहले समोसे खाऊंगी मैं। गाइस समोसे रेडी हैं, मतलब मैंने नहीं बनाए, अब मैं खाती हूँ। उसकी जो पापड़ी होती ना, ये मुझे बहुत ही मजे की लगती है। अम्मी खा लो। अम्मी ज्यादा इस तरह की चीजें नहीं खाती, रमजान में भी अम्मी पकोड़े भी नहीं खाती थी, सिर्फ मम्मा चाट खाती थी और शरबत खाते हैं। मिलते हैं, बहन गई है चटनी लेने, भी आ चुकी है। और ये मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, ये बहन खाती है, तो मैं सिर्फ समोसा खाती हूँ। और चार्जिंग पे मोबाइल लगाया तो लगा देती हूँ। गाइस इस तरह से इसमें ये भरा हुआ होता है दाल, मूंग की दाल, मूंग की दाल डली होती है देखना। और मुझसे तो खाए भी है, एक फिनिश भी कर लिया उन्होंने। क्या हमारी रेस हो रही है? नहीं, मेरे दांत में दर्द है ना इस वजह से। हाँ बस आप लोग देख सकते हैं मैं फ्रूट कट करने आ गई। बहन मेरे कपड़े सी रही थी, और फिर उन्होंने कहा मैं भी खा लूँगी, आप भी खा लेना, तो फिर हम लोग मैंने फ्रूट्स काटने आ गई यहाँ, क्योंकि गैस तो आ नहीं रहा था। गैस की पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है ना, रमज़ान में तो जा ही रहा था, तो अब आम रूटीन में भी फिर से जाने लगा है ईद के बाद, तो समझे बैक टू रूटीन हो गई है, बैक टू रूटीन वाला सीन है। तो बस यहाँ मैं फ्रूट कट कर लूँगी और यही खा लेंगे हम, और इसके बाद हम चाय पियेंगे। वैसे फ्रूट के साथ चाय नहीं पी सकते, थोड़ी देर बाद पियेंगे तो, बट यहाँ मैं फ्रूट कट कर रही हूँ। और वरना पराठा का मूड था, क्योंकि आज भुर्ता बना था और पराठे बहुत ही मज़ेदार लगते हैं भुर्ते वाले। चुका है और गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही। ये देखिए मैंने कितना कचरा कर दिया, इस पर कुछ पकाना ही नहीं है। और पराठे का भी क्या हाल हो गया, पराठे का भी ये हाल हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं गैस ही गया और सिलेंडर भी ख़त्म। खैर नहीं भाई, ये खा लेते हैं बहन के लिए, और मैंने अपने लिए काटा है, और मसाला निकाल लेते हैं इसके साथ। ये रहा हमारा मसाला, इतना सारा गाइस आ गया, इतना आ गया। फिर खाते हैं और ये बंद करते हैं और जाते हैं ये देखकर। और ये देख सकते हैं आप, ये अभी किचन साफ कर दी गई थी, खा लिए चलते हैं। फ्रूट्स ले गई और स्पून ले जाना भूल गई, तो मैं स्पून लेने आई, और जब कोई चीज़ ढूंढो ना तो मिलती ही नहीं है। एक स्पून मिल गया और एक फोक मिल ही नहीं रहा था, फिर मैंने याद आया कैबिनेट में रखा है, तो फिर मैं लेके गई हूँ। फाइनली गैस आ गया और ये देखें ये वही पराठा है जो तवे, फाइनली गैस आ गया और ये देखें ये वही पराठा है जो तवे पे दिखाया था मैंने, और इसका ये अम्मी ने मुझे दे दिया खाने के लिए, ज़ाया ना जाए ना, इस वजह से ज़ाया नहीं कर सकते ना। और ये देखें आधा भी पकड़ा, और अम्मी कितना कचरा कर दिया। चलो ये मुझे साफ करना पड़ेगा। अच्छा जाओ। इसमें इमली का पेस्ट है, धनिया कुटा हुआ, पिसा हुआ जीरा और नमक, ये चीज़ ऐड करनी है, और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं, और मिक्स करके इसमें मिर्चों में भरना है। मिर्चें कहाँ हैं? मिर्चें आज बन रही है, भुनी हुई मिर्चें, क्या बोलते हैं इसको, तली हुई मिर्चें, तली हुई भरी हुई मिर्चें, भरवा मिर्चें, भरवा मिर्च। चले अब बनती हैं, और मैं सारी इसमें अम्मी ना इसको खोल कर इसमें ऐड कर देंगी, फिर मैं तलते हुए दिखाऊंगी आपको, ठीक है। को आ
इनको खाली भी करते हैं, बट खाली हमने यूँ नहीं करी क्योंकि ज़्यादा मच्छर लगाई जाएंगे और इसमें मर जा रही है। और ये देखें इतनी तैयार हो चुकी हैं। चलें इसी तरह ये सारी भर चुकी हैं, अब इसको तली जाएंगी। अब मैं तल के बाद दिखाती हूँ। अब यहाँ तेल गरम हो रहा है और इसमें ये डालेंगे, ठीक है, और फिर ये अच्छी तरह पकी जाएंगी। वैसे सरसों के तेल में पका सकते हैं। अभी हमने कुकिंग ऑयल लिया, वैसे आप सरसों का भी ले सकते हैं। अभी इसमें डालूंगी, ठीक है, फिर वापस गाइस डाल लिए सब इकट्ठी डाल दो। मम्मी ने कहा मम्मी अब इसको ढाक दो। अब हम इसको कवर कर देंगे और फिर मिल। और यहाँ आ गए थे गेस्ट, और अचानक वाले गेस्ट तो आप लोगों को मैंने बताया ना, उनकी एक्साइटमेंट अलग ही होती है। खैर यहाँ आ गया था नाश्ता वगैरह, तो मैं यहाँ निकाल रही थी और सब जल्दी जल्दी प्लेटें साफ़ करके मैंने सर्व कर दिया था। मतलब सर्व नहीं किया था, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ वीडियो बनाने के लिए सजाया था, और फिर दस्तखान भी मुझे अलग से लगाना था, और उसके बाद मैंने जल्दी से यहाँ से वीडियो बना कर दस्तखान वगैरह लगाया। वैसे बहन भी लगी हुई थी, और फिर उसके बाद मगरीब हो गई थी, दस्तखान वगैरह हटा लिया था, मतलब खाना वगैरह खा लिया था इन लोगों ने, और उसके बाद ये सब नमाज़ पढ़ रहे थे। और ये देखें वीडियो किस तरह से हिल रही है, क्योंकि मैं कंफ्यूज्ड में बना रही हूँ, तो है ना बस। और उसके बाद मैंने भी नमाज़ पढ़ ली थी। एज यूजुअल जब मेहमान चले आते हैं तो आप लोग भी इस तरह से बचा हुआ खाते हैं, सबके घरों में ऐसा होता होगा मोस्टली। चले अब मैं ये खाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है बस यही है। अच्छा, अगर मैं शाम की चाय ना पीऊँ ना तो मुझे ऐसा लगता है शाम हुई नहीं है, तो मैं ज़रूर पीती हूँ चाय, भले से रात में बनाकर पीऊँ, अगर शाम में नहीं पीती तो के कंपल्सरी हो गया मतलब चाय पीना तो बस। और ना चाय नहीं पियो तो ऐसा लगता है भारी भारी सा सर, ऐसे किस किस का होता है ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैं केक बहन इंजॉय कर रही है, मैंने तो खा लिया अपना, और फिर यहाँ मैं चाय पीऊँगी, और बहुत ही मज़ा आता है शाम में चाय पीने का, क्योंकि मेरा बच्चा। और मेहमानों के जाने के बाद मैंने आपको मिर्चें तो दिखाई नहीं बना के, तो मिर्चें बन चुकी थी, ये है इसकी फाइनल लुक। और जब ये दाल से या किसी चीज़ से खाएंगे परांठों से तो मज़ा ही आ जाएगा, और बहुत मज़े की बनती हैं, बिल्कुल मेरी रेसिपी से करेंगे ना अब तो बहुत ही मज़े की बनेगी। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।